इस मॉड्यूल के अंदर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिजम और डीएनए बारकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे पहले हम देखते हैं कि सिंगल न्यूक्लोटाइड पोलीमॉर्फिज्म क्या है सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमॉर्फिजम के अंदर कोई एक बेस पेयर इंसर्शन के जरिए डिलीशन के जरिए रिप्लेस हो जाता है बेसिकली ये टाइप पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है अब जब एक बेस पेयर रिप्लेस होता है तो उसके नतीजे में जो चेंज आता है ये ऐसा चेंज भी हो सकता है जो कि निगलेक्ट हो जाए उससे कोई वाज तब्दीली ना आए लेकिन सम टाइम ये एक सिंगल न्यूक्लोटाइड के अंदर जो तब्दीली है ये ऑर्गेनिज्म की एक जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर सकता है या इवन कुछ म्यूटेशंस तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये लिथल म्यूटेशन बन जाती हैं और एक ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब भी बन सकती हैं अगर हम पॉलीमार्फिज्म की बात करें तो जो सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमार्फिज्म है ये पोलीमार्फिजम्स के अंदर एक कॉमन पोलीमार्फिज्म है अब जो सिंगल पॉलीमार्फिज है इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिंपल पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं हम माइक्रोचिप अरे यूज कर सकते हैं या फिर फ्लोरिसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है तो सिंगल निक्रोटाइट पॉलीमार्फिज के अंदर कोई एक बेस पेयर के अंदर तब्दीली आ जाती है वो रिप्लेस हो जाता है सबस्टिट्यूशन हो जाती है डिलीशन हो जाती है या फिर इंसर्शन हो जाती है और ये पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप है और ये जो म्यूटेशन है इसका जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मल भी हो सकता है जिसके नतीजे में कोई वाज तब्दीली ना आए ये ऐसी तब्दीली भी हो सकती है ऐसी म्यूटेशन भी हो सकती है कि जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए या इवन ये ऑर्गेजम के अंदर डेथ का सब बने और इस म्यूटेशन को हम आसानी से पीसीआर टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप अरे या फिर फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डीएनए बारकोडिंग डीएनए बारकोडिंग एक मालिकुलर टेक्निक है फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसके जरिए हम स्पीशीज को आसानी से डीलिमिट कर सकते हैं डीएनए एन एफ पाल कोडिंग ने 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया बेसिकली ये टेक्निक तो पुरानी है लेकिन जो पहला पेपर इसके ऊपर हैबर्ट पाल ने पब्लिश किया वो 2003 के अंदर किया उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि तमाम दुनिया के अंदर यह अब एक रूटीन टेक्निक है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम जहां पे मालिकुलर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जो है फेल हो जाती हैं वहां पे डीएनए बारकोडिंग एक रिलायबल टूल है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच प्रॉब्लमेटिक स्पीशीज अब जो डीएनए बारकोडिंग बार कोडिंग है इसके अंदर साइटोक्रोम सी इस जीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके 658 बेस पेयर्स जिनको स्पीशीज टैग भी कहा जाता है जिनको स्पीशीज सिग्नेचर भी कहा जाता है यानी इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब हम किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जब आप काउंटर पर आते हैं तो वहाँ पे जो मौजूद पर्सन है वो आपका जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया होता है उसको एक मशीन के सामने से गुजारता है फ़ौर स्क्रीन के ऊपर उस प्रोडक्ट के मुतालिक तमाम डिटेल्स आ जाती हैं उसकी प्राइस कितनी है किस कंपनी का प्रोडक्ट है और ऑटोमेटिक उसका जो जो भी उसकी प्राइस है वो स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड मौजूद होता है वो बार कोड हेल्प करता है उस काउंटर पर मौजूद पर्सन की कि उसकी प्राइस या उसकी डिटेल्स जो है वो देख सके क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक मॉल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी इंडिविजुअल प्राइसेस जो है उसको याद रखे इसी तरीके से

650 बेस पेयर को हम स्पीशीज की डिस्क्रिमिनेशन के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये जो जीन है ये एक माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन है ये हाईली कंजर्व है और इसकी जो इनहेरिटेंस है वो मिटर्नल है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है लेकिन इसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर म्यूटेशन रेट ज्यादा है जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आ जाती है तो इस वेरिएशन को कंपेयर करके हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डीएनए बारकोडिंग बार कोडिंग के लिए हम यूनिवर्सल प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत आसान हो जाती है तो डीएनए बार कोडिंग बेसिकली ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो स्पीशीज की डिस्कवरी के अंदर अन आइडेंटिफाइड स्पेसिमन जो है उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है इसके अंदर हम साइटोक्रोम सी जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा इसके अंदर जो सीक्वेंस की लेंथ है वो 658 बेस पेयर है इसको हम टैग या स्पीशीज सिग्नेचर भी कहते हैं और इस सीक्वेंस के बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं